भाई का फटाका बना बहन की मौत का कारण, स्टील के टिफिन में फोड़ा सुतली बम, वीडियो बना रही फार्मेसी के स्टूडेंट के पेट में घुसा। नमस्कार, देखिए मंदसौर जिले की खास खबर। मंदसौर में एक घर में दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई, जहां स्टील के टिफिन में फटाका रखकर फोड़ने से टिफिन का टुकड़ा फार्मेसी स्टूडेंट के पेट में जा घुसा, जिससे उसकी मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा मंदसौर के भावगढ़ थाना क्षेत्र कारजू गांव में हुआ। यहां बुधवार को गोवर्धन लाल माली नाम के किसान के घर गोवर्धन पूजा थी। पूजा के बाद बेटी टीना उम्र 20 साल छोटे भाई के साथ फटाके फोड़ने लगी। भाई स्टील के टिफिन में सुतली बम रखकर फोड़ने लगा। टीना उसका वीडियो बना रही थी। इसी दौरान बम के धमाके के साथ टिफिन स्टील का टुकड़ा नुकीला हिस्सा उसके टीना के पेट में जा घुसा। टीना वहीं लहूलुहान हो गई। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फार्मेसी कर रही थी टीना। पता चला है कि टीना मंदसौर के प्राइवेट कॉलेज में फार्मेसी कर रही थी। पढ़ाई के साथ वह ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी। टीना भाई बहनों में टीना सबसे बड़ी थी। पिता खेती करते थे। फटाके फोड़ते वक्त रखे सावधानियां। एक्सपर्ट का कहना है कि फटाके फोड़ते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। कई लोग बोतल में रखकर रॉकेट भी छोड़ते हैं, तो कुछ बर्तनों में रखकर फटाके फोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़ चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।